प्रेजेंट टाइम वो मॉडर्न बॉयलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न बॉयलर है, मॉडर्न बॉयलर जो प्रेजेंट टाइम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये कम स्पेस एक्वायर करते हैं और इनकी जो स्टीम प्रोडक्शन करने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बाकी जो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसमें सबसे पहला ये आता है लामांट बॉयलर। ठीक है, लामांट बॉयलर, लामांट बॉयलर का ये आपके सामने फिगर है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, स्टील स्ट्रक्चर है पूरा। ये स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये आपका एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइज़र है, सुपर हीटर यूज़ किया गया है इसमें, मतलब इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर और एयर प्री हीटर, ये तीनों डिवाइसेस क्या हैं, हमारी एसेसरीज़ हैं, वाटर ट्यूब्स हैं, बाकी ये सब इसकी डिटेलिंग है पूरा। अब सबसे पहले कोई भी बॉयलर, अभी तक जितने हम बॉयलर बताए थे तो उसमें क्या हम करते चले आ रहे थे कि सबसे पहले होता था बॉयलर में पानी को फिल करते थे। ठीक, वाटर फिल करते थे, वाटर फिल करने के बाद फिर बाकी की प्रक्रियाएं हम करते थे। तो सबसे पहले वाटर को सिंपली हमें करना है, वाटर को स्टोर करके, और स्टोर करके उसको हीट देना है जिससे वो बॉयल हो, और जब बॉयलिंग टेम्परेचर पे जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो हीट स्टीम में कन्वर्ट करना है। यही कॉन्सेप्ट, यही फिनोमिना इसमें भी लगेगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारे सामने देखिए, ये यहाँ पे फीड वाटर, ठीक है, फीड वाटर में यहाँ से वाटर को हमें इंटर कराना है, प्रवेश कराना है, फीड कराना है। कैसे, सबसे पहले यहाँ आएगा वाटर, फिर इकोनोमाइज़र में, इस तरीके से इकोनोमाइज़र में होता हुआ, और फिर कहाँ पहुँचता है, ये थ्रू द पाइप, ये एक स्टीम ड्रम बना हुआ है जिसके लगभग 70% भाग में पानी भरा रहता है और बाकी 30% भाग वैकेंट रखा जाता है स्टीम जनरेशन के लिए। नीचे एक इसमें ये डाउनटेक ट्यूब लगाते हैं और यहाँ पे एक पंप लगाते हैं। ठीक, उसके बाद इसका संबंध डिस्ट्रीब्यूटर हेडर से। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से वाटर आया, वाटर से इकोनोमाइज़र से होता हुआ ये आया ड्रम में। ड्रम में आने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से भी एक ट्यूब गई है, वाटर ट्यूब है, यहाँ से कनेक्टेड है। दूसरी ट्यूब से ये क्या है, ये नीचे से इसकी तली से होते हुए गई है, ये तली से होते हुए जो जाती है नीचे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर एक टैंक है, ऊपर टैंक रखा हो, नीचे तक पानी लाने में हमें कोई डिवाइस, ना पंप ना मोटर की कोई ना ज़रूरत होती, क्योंकि थ्रू द ग्रेविटी फोर्स कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे, चाहे लिक्विड हो, ऊपर से नीचे अपने आप ग्रेविटी फोर्स से आती है। तो वाटर भी यहाँ नीचे जो आता है वो ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ गया। यहाँ पे वाटर पंप हम लगा देते हैं, और वाटर पंप तब हम लगाते हैं जब हमें पानी को थ्रू द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी क्या होती है, डायरेक्शन ग्रेविटी की क्या है, पृथ्वी नीचे है, ये डायरेक्शन हो गई ग्रेविटी की। अब वाटर को हमें इसके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट, मीन्स पानी को ऊपर लेके जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर पंप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर जनरेट करेगा, तब वाटर, जब ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा तब वाटर ऊपर जाएगा। वाटर पंप लगाए, अब ये वाटर जो यहाँ से आया, इसको पंप करके डिस्ट्रीब्यूटर हेडर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर हेडर क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हेडर से ये ट्यूब्स लगा दिए, इस ट्यूब में भेजे, अब प्रेशर है ही है वाटर के पास, यहाँ गया, यहाँ तो नॉर्मली आ जाएगा ज़्यादा। अब जब यहाँ ऊपर जैसे हम चढ़ते हैं, यहाँ पे मेन काम होता है, यहाँ तक तो नॉर्मली पानी आ ही जाता है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर ये चढ़ते हैं, ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे लगता है और हम पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं, जैसे हम कोई घरों में टैंक रखा होता है, वाटर टैंक, जब समरसेबल या मोटर ऑन करते तभी वाटर को चढ़ा पाते हैं। ठीक, वही काम यही इसमें भी किया जा रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तभी ये क्या, वाटर पंप जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है,
उसी के वाटर में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसी के कारण ये वाटर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर आया, इस पाइप में गया, इस पाइप से होता हुआ इस तरीके से इस टैंक में फिर पहुंच जाता है। इस टैंक जो स्टीम ड्रम है इसमें क्या लगा होता है, स्टॉप वॉल, सेफ्टी वॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर। जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर लगा है और वाटर लेवल इंडिकेटर में देखा हमने कि इसमें 70% हिस्से में पानी भर गया, और इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर में हमने देखा कि वो मार्किंग होती है कि यहाँ पे इस मार्क पे अगर वाटर का लेवल आ गया तो मतलब 70% इसमें पानी भर गया। जैसे ये देखा हमने मार्क पे आया, यहाँ फीड वाटर जो यहाँ से वाटर को फीड कर रहे हैं यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं। अब हमारा पानी भर गया, अब हमें क्या करना है इस कम्बशन चैम्बर में क्या करना है, हमें हीट प्रोड्यूस करना है। हीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसमें लकड़ी या कोयले को जलाएंगे। लकड़ी या कोयले को, चलो ठीक है, इस कम्बशन चैम्बर में हमने लकड़ी और कोयले को रखा और इसकी बर्निंग किया। जब बर्निंग किया तो क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें क्योंकि जो हीट होती है हमें लपट तो ये दिखाई देती है, ये मान लो हीट आग की लपट है, उसके बाद जो यहाँ तक की तो आग दिखाई देती, उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो उसको बोलते हैं लपट। और अगर टेक्निकल में बोल रहे तो उसको कहते हैं फ्लू गैसेस, ठीक है। उनके पास सबसे ज़्यादा हीट होती है, वो क्या होती हैं प्रोड्यूस ही अब प्रोड्यूस होती हैं। तो जैसे ही ये ऊपर बढ़ती हैं फ्लू गैसेस, क्योंकि गैसेस हमेशा ये इनको यही मार्ग मिलता है और हमेशा ऊपर की तरफ भागेंगी, तो इनके पास क्या होती है फ्लू गैसेस, ये जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुई इनके पास लार्ज अमाउंट में हीट होती है। अब इनके रास्ते में जो जो चीज़ आएगी उसको ये हीट देती चली जाएंगी। ये ट्यूब्स आ रही हैं और इन ट्यूब्स में क्या है, पानी भरा हुआ, इनको देती चली जाएंगी। और इनको घुमाने का रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया अच्छा खासा हो गया। अब ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स के चारों तरफ हीट हीट ट्रांसफ़र होती है और वाटर को जाती है, और ये वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होता है इन ट्यूब सारे ट्यूब्स को, यहाँ तक जितनी ट्यूब्स हैं इनको हीट फ्लू गैसेस जा रही हैं, ठीक। अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो रही हैं, और जैसे ये स्टीम में कन्वर्ट होती हैं इनको रास्ता क्या मिलता है, बाकी नीचे ये तो सब पानी भरा हुआ है, ये एरिया जो होता है सबसे वीक एरिया स्टीम ढूंढती है, ये यहाँ से स्टीम आती है और इस ड्रम में एकत्रित होने लगती है। ये जो एरिया वैकेंट है इसमें ये क्या होती है, स्टीम एकत्रित होने लगती है। स्टीम एकत्रित जो ये होती है ये क्या होती है, हमारी वेट स्टीम। वेट स्टीम मींस इसके पास क्या होता है, स्टीम प्लस मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब तुम्हारा जो वाटर के छोटे छोटे कण, ठीक। अब ये जो वेट स्टीम होती है ये हमारे कोई भी मशीन को जब ट्रांसफ़र की जाती है तो जो हमारा मान लो इस्पात है या जो भी मान लो कि टरबाइन को ट्रांसफ़र की जाती है, टरबाइन के ब्लेड जो होते हैं वो हमारे कास्ट आयरन के बने होते हैं, और कास्ट आयरन के लिए जो मॉइस्चर होता है वो सबसे समझो उसका ड्रॉबैक होता है, क्योंकि मॉइस्चर से हमारा जो इस्पात होता है, लोहा होता है, वो क्या होता है उसमें करोजन की प्रक्रिया होने लगती है और वो गलने लगता है। तो इसमें से वेट स्टीम को अगर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर दें तो हमारे टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने एक एसेसरीज उठा के ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, जिसका इस ड्रम से संबंध कर दिया। ये देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटर। अब स्टीम यहाँ से निकली, यहाँ जब प्रवेश की तो ये क्या थी, वेट स्टीम थी। अब जो ये स्टीम क्या होती, इन पाइप्स में जाती, इस तरीके से इन पाइप्स में जाती, इन पाइप में फिल हो गई। अब यहाँ देखो जो फ्लू गैसेस थी, सपोज कर लो यहाँ इसका टेम्परेचर था 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसका मान लो इसका टेम्परेचर था 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुई थी इनका। अब ये अपनी हीट को इनको
इन ट्यूब्स को ट्रांसफ़र करती हैं, जिसके कारण स्टीम प्रोड्यूस होती है। इसको देने के बाद यहाँ पे इनके पास हीट कितनी बच जाती है, मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड इनके जो फ्लू गैसेस इनको देने के बाद ऊपर आई हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इनके पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ये सुपर हीटर ना लगाते तो ये वायुमंडल में चले जाती, वायुमंडल में जाती तो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ाती, ग्लोबल वार्मिंग होता, हमारे सामने दिक्कतें दिक्कत थी। तो हमने क्या किया, सुपर हीटर लगा दिया, एक एसेसरीज लगा लिया, इसकी दक्षता बढ़ गई, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई। हम हुआ क्या, अब इन ट्यूब्स में क्या है, वेट स्टीम भरी हुई है, ठीक है। वेट स्टीम मीन्स जिसमें मॉइस्चर की मात्रा हो, ठीक है, स्टीम प्लस वाटर, वाटर के छोटे छोटे कण। अब इसमें यहाँ से इसको डिलीवर्ड किया गया, इस पाइप में आया, और यहाँ जो फ्लू गैसेस आई हैं इनके पास टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन ट्यूब्स को हम क्या करते हैं, जैसे ये आई फ्लू गैसेज यहाँ, इन ट्यूब्स को हीट ट्रांसफ़र होगी चारों तरफ से, इसको भी चारों तरफ से ट्रांसफ़र होगी, इसको भी चारों तरफ से ट्रांसफ़र होगी। जब ट्रांसफ़र होती है तो ये जो ये वेट स्टीम होती है, इसमें में से जो मॉइस्चर होता है, वाटर के छोटे छोटे कण होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्टीम में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो यहाँ जब कन्वर्ट होने के बाद जब यहाँ स्टीम आई, तो ये स्टीम क्या हो गई, ड्राई स्टीम, मीन्स इसके छोटे छोटे जो वाटर के कण हैं वो ख़त्म हुए और स्टीम का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ से जो हमें स्टीम मिलेगी, अब यहाँ स्टॉप वाल है, स्टॉप वाल खोल देंगे और यहाँ से जो स्टीम निकालते हैं, और निकाल के बाद कहाँ भेजते हैं, टर्बाइन को, ठीक। उसके बाद ये देखो, हमने जो वाटर इसमें जब इंटर करा रहे थे, इकोनोमाइजर लगाए थे, वैसे देखा जाए तो अब यहाँ 200 डिग्री था, अब सुपर हीटर को देने के बाद फ्लू गैसेस के बाद टेम्परेचर कितना बचा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बचा। अब ये 100 डिग्री टेम्परेचर क्या था, वायुमंडल में नॉर्मली चला जाता, फिर वही दिक्कत हमारे सामने आती, ग्लोबल वार्मिंग होता, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता। हमने क्या किया, इकोनोमाइजर ये लगाया था। इकोनोमाइजर में क्या होता है, नॉर्मली वाटर जो फीड वाटर करते हैं, मान लो इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इन ट्यूब्स से गुजारा जाता है, इकोनोमाइजर के ट्यूब से गुजारा जाता है। जब गुजारा जाता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा दे, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया। अब ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की फ्लू गैसेस हैं वो क्या करती हैं, इन ट्यूब्स को ट्रांसफ़र होती हैं चारों तरफ से। जब ट्रांसफ़र होती हैं तो ये इतना, इसके पास इतनी हीट नहीं होती है कि यहीं से ये स्टीम में कन्वर्ट करने लगे ट्यूब्स वाटर को, बस ये काम कर देता है, ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का वाटर इसमें इंटर कर रहा था, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते ये कितना कर देता है, नहीं है बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, मान लो इसने कर दिया 60 डिग्री, ठीक, यहाँ से गुजारे, यहाँ से इंटर किया था 10 डिग्री था, और जब ये इकोनोमाइजर से गुजारे और ये फ्लू गैसेस की जो हीट थी इसने यूटिलाइज कर लिया, और इसका मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जाके वाटर का टेम्परेचर यहाँ कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सपोज कर लो एक डिग्री यहाँ पे कम्बशन चैम्बर में ईंधन जलाएंगे, एक डिग्री टेम्परेचर वाटर का बढ़ाने के लिए हमें 1 kg ईंधन खर्च करना पड़ता है, तो 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना, 60 kg ईंधन खर्चा करना पड़ेगा, और 60 kg ईंधन मान लो तुम्हारा हो गया 2000 का, ठीक है, 2000 का हो गया। तो अगर हमने इकोनोमाइजर लगा दिया तो ये 2000 हमारे बच गए, ठीक, और अगर ना लगाते तो ये क्या होती, वायुमंडल में ही तो जाती, हमारा नुकसान ही करती, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया। अब इसको देने के बाद यहाँ पे जो हीट आई, ये मान लो बची है हमारी 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, इकोनोमाइजर को देने के बाद ये जो फ्लू गैसेज आई, अब इनका टेम्परेचर कितना बचा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब बचा तो हम सोचे कि लाओ इसको वायुमंडल में चिमनी की सहायता से निकाल लें, पर हमने सोचा लाओ एक और हम क्या करें, एसेसरीज यूज़ कर लें जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो हमने क्या किया, एयर प्री हीटर यूज़ किया।
एयर प्री हीटर का काम क्या होता है? एयर प्री हीटर का काम होता है जो वायुमंडल से एयर मिलती है उसको टेम्परेचर को उसको बढ़ा के तब कम्बर्शन चैम्बर में भेजना, क्योंकि बिना एयर के तुम कोई भी लकड़ी हो, कोयला हो, कोई भी ईंधन को तुम जला नहीं, बर्न नहीं कर पाओगे। तो कम्बर्शन चैम्बर में जो कोयला लकड़ी होता है उसको बर्न कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए। और एयर में अगर हमें मान लो बिल्कुल नॉर्मल एयर मिल रही है तो क्या करते हैं, पहले उसका उसमें अगर नॉर्मल एयर मिल रही है उसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो जब इसके कम्बशन चैम्बर में उसको बर्न कराते हैं तो बर्न कराने में सबसे पहले मॉइस्चर ख़त्म किया जाता है, क्योंकि लकड़ी जब कभी जलाते हैं उसमें स्मोक उठता है तो ये होता है उसमें मॉइस्चर होता है, पहले वो लकड़ी और एयर दोनों मिल के मॉइस्चर को ख़त्म करते हैं फिर बर्निंग करते हैं। तो मॉइस्चर अगर जैसे जब गर्मियों के मौसम में जब लू चलती है तो इतना ड्राइनेस रहता है, मींस जो वातावरण में मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एयर जो हो जाती है पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। कुछ अगर हम एक माचिस जला के और डाल देते हैं तो तुरंत वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है, आग पकड़ लेता है और वो जलने लगता है, जलने लगता है। वही वाला फैक्टर यहाँ काम हो रहा है। हमने क्या किया, ये 60 डिग्री की एयर थी, यहाँ पे लगा दिया एयर प्री हीटर, ठीक है, यहाँ पे फैन लगा दिया निर्वात फैन। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 60 डिग्री की एयर है इसको सक कर रहा है, ठीक है, सक कर रहा है और वायुमंडल से जो एयर आ रही है उसके साथ मिक्स किया, क्योंकि यहाँ सारी एयर ज़्यादातर इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है ना, ऑक्सीजन यही बर्न हो जाती है, ऑक्सीजन बाकी इसकी जो हीट है उसको ये हम क्या करते हैं, यहाँ से जब एयर प्री हीटर से गुजारते हैं, फ़ैन लगाते हैं और फैन से सक किए एयर को और एयर प्री हीटर में लाए, तो ये क्या करता है, जो खाली ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन में जो मॉइस्चर की मात्रा होती है उसको ख़त्म कर देता है, और ख़त्म करने के बाद उस एयर को हम कम्बशन चैम्बर में लाएंगे जो कंपेयर टू जो नॉर्मल वायुमंडल में एयर है उससे जल्दी ईंधन को बर्न ये करती है, ठीक। अब मान लो एयर को देने के बाद यहाँ टेम्परेचर इसका बचा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या करते हैं, चिमनी की सहायता से वायुमंडल में निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूरी लामांड बॉयलर की वर्किंग, ठीक। इसका प्रेशर जो होता है 120 बार दाब पर, ठीक है, इसका प्रेशर जो होगा 120 बार तक ये प्रेशर बियर कर सकता है, या इस प्रेशर तक स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेचर जो है इसका टेम्परेचर जो होता है वो 500 डिग्री, मैक्सिमम 500 डिग्री टेम्परेचर कम्बशन चैम्बर का बढ़ा के ही स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपेसिटी जो होती है इसमें जो स्टीम हमें मिलती है वो सुपर हीटेड स्टीम मिलती है, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम मिलती है। और ये जो एक घंटे में 45 से 50 मीट्रिक टन स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा लामांड बॉयलर।